आप देख रहे हैं दखल न्यूज। पीएम मोदी ने कहा धारा 370 हटाए जाना सरदार पटेल को समर्पित। सरदार पटेल ने कहा था जम्मू कश्मीर का एकीकरण ही एकमात्र उपाय। केंद्र सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री देंगे धरना, मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे उपवास। छत्तीसगढ़ में सुनील कुमार कुजूर हुए सेवानिवृत्त, आरपी मंडल बने छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव। भोपाल में व्यापारी के घर डकैती की वारदात, डकैत 10 लाख से ज्यादा का सामान ले गए। और भोपाल के बंटवारे और महापौर चुनाव पर बीजेपी की नाराजगी, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल देश को आगाह करके गए थे कि जम्मू कश्मीर का एकीकरण ही एकमात्र उपाय है। पीएम मोदी ने कहा कि 5 अगस्त को जो एकता के साथ महान निर्णय किया गया है उसे सरदार पटेल को समर्पित करता हूं। दशकों तक आर्टिकल 370 ने एक अस्थायी दीवार बना रखी थी, जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद पैदा कर रही थी। अब वह दीवार गिरा दी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देने पीएम मोदी गुजरात स्थित केवड़िया पहुंचे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पीएम मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित किए। पीएम मोदी केवड़िया में आयोजित एकता दिवस की परेड में भी शामिल हुए। यहां पीएम मोदी ने लोगों को एकता की शपथ दिलाई। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से वादा किया था कि उन्हें अन्य राज्यों के बराबर सुविधाएं मिलेंगी। इन दोनों राज्यों के सभी कर्मचारियों को अब 7वें वेतनमान का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद पहली बार बीडीसी के चुनाव हुए। 98% पंच सरपंचों ने वोट डाला। ये भागीदारी अपने आप में एकता का संदेश है। सरदार पटेल देश को आगाह करके गए थे कि जम्मू कश्मीर का एकीकरण ही एकमात्र उपाय है। पीएम मोदी ने कहा कि 5 अगस्त को जो एकता के साथ महान निर्णय किया गया है उसे सरदार पटेल को समर्पित करता हूँ। सरदार साहब ने जो बीज बोया है उस बीज को हमारे अपने परिश्रम से, हमारे अपने सपनों से, हमारे अपने संकल्पों से हमें और समृद्ध बनाना है, और सामर्थ्यवान बनाना है, और जन कल्याण से जग कल्याण का मार्ग हमें लेकर के आगे बढ़ना है। मेरी तरफ से आज मैं फिर एक बार देशवासियों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से सरदार साहब की जन्म जयंती पर सर झुका करके आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि इसने कश्मीर को कुछ नहीं दिया, इसने सिर्फ आतंक और अलगाव को ही दिया। इस वजह से 40,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देश के समस्त देशवासियों को मौजूदा चुनौती याद दिला रहा हूं कि जो हमसे युद्ध नहीं जीत सकते वे हमारी एकता में छेद करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा हम भारत के लोग एकता का प्रतिबिंब हैं, एकता की ताकत का पर्व निरंतर मनाना अनिवार्य है। सरदार पटेल से जुड़ी इस खबर के बाद एक खबर विदेश से। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। अमरीकी रक्षा विभाग पेंटागन ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के मुखिया अबू बकर अल बगदादी पर किए गए हमले का वीडियो और फोटो जारी किए हैं। वीडियो में अमरीका के विशेष सैन्य बल उस घर की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं जहां बगदादी छिपा हुआ था। इसके बाद बगदादी मारा गया। अमरीकी रक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट है। सीरिया के इदलिब प्रांत में बगदादी जिस जगह पर छुपा हुआ था वहां पर अमरीकी सेना को लेकर आने वाले हेलीकॉप्टर पर अज्ञात हमलावरों की तरफ से फायरिंग किए जाने के बाद उन हमलावरों पर हवाई हमले का वीडियो पेंटागन ने जारी किया है। बगदादी के मारे जाने की पुष्टि करते समय ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा था कि हम इस बारे में सोच रहे हैं, हम इस हमले का वीडियो जारी कर सकते हैं। शनिवार को अमेरिकी सेना के हमले के दौरान एक सुरंग के भीतर गिर जाने के बाद बगदादी ने आत्मघाती बम से खुद को उड़ा लिया था। इस हमले में उसके 3 बच्चे सहित 2 पत्नियों की भी मौत हो गई थी। हमले में ISI के कुल 6 सदस्य मारे गए थे, इसमें 4 महिलाएं और बगदादी समेत 2 युवक शामिल थे। परिसर से बाहर आने वाले गैर लड़ाकों को हिरासत में लिया गया और उनकी तलाशी ली गई।
हथियार और विस्फोटक नहीं मिलने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उस समूह में 11 बच्चे भी शामिल थे जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। अब बहुत महत्वपूर्ण खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना देंगे। वहीं मुख्यमंत्री किसानों के लिए उपवास रखेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि अतिवृष्टि की वजह से प्रदेश के 55 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। इससे 16,000 करोड़ रुपए की फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों को मुआवजा देने के लिए सभी मंत्री अपने 1 महीने की सैलरी देंगे। इसके साथ ही सभी मंत्री केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश से किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ दिल्ली में धरना देंगे। मंत्री शर्मा ने कहा कि सीएम कमलनाथ किसानों के लिए उपवास रखेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में इसके अलावा होर्डिंग नीति तय की गई। मध्य प्रदेश सरकार का 17 साल पुराना विमान बेचने पर भी सहमति बनाई गई। इसके साथ नया विमान खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि बढ़ाए जाने को भी हरी झंडी दी गई। और एक आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मतलब अभी आपके लिए नहीं है, पर जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार होते हैं वो 7,000 से बढ़ाकर सम्मान निधि वो 10,000 कर दी गई। कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा अतिवृष्टि के लिए राहत पैकेज न दिए जाने को लेकर चिंता जताई गई। साथ ही कहा गया कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। मंत्रियों ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी 4 नवंबर को मध्य प्रदेश में जो प्रदर्शन करने जा रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर करना चाहिए ताकि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को राहत की राशि दे दे। मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम कमलनाथ का सम्मान किया गया। खबर छत्तीसगढ़ से है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आरपी मंडल को छत्तीसगढ़ राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। राज्य सरकार ने एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए इस पद पर उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दी है। राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर आज अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। आरपी मंडल इन्हीं की जगह लेंगे। 1987 बैच के आईएएस अफसर मंडल मूल रूप से बिलासपुर के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर के पद पर रह चुके हैं। नए मुख्य सचिव आरपी मंडल को छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद काडर के बंटवारे में छत्तीसगढ़ काडर मिला और इसके बाद वे बिलासपुर और रायपुर में भी कलेक्टर रहे। राजस्व मंडल, आदिवासी विकास पंचायत, लोक निर्माण, वन श्रम विभाग समेत कई विभागों में वे सचिव रह चुके हैं। सचिव रैंक में पहुंचने के बाद भी सरकार ने उन्हें रायपुर का कलेक्टर बनाया था। बिलासपुर के मल्टी पर्पस हायर सेकेंडरी स्कूल से उनकी स्कूली शिक्षा हुई। रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने इलेक्ट्रिकल में बी किया और खड़गपुर ITI से MTech किया। इसके बाद उन्होंने IAS की परीक्षा पास की। मंडल को CS बनाने के बाद उनके बैच के CK खेतान को राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। खबर राजनीति की। झाबुआ विजय के बाद कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का भोपाल में जोरदार स्वागत किया गया। कांतिलाल भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हुई है और कांग्रेस में अब कोई गुटबाजी नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने कमलनाथ के नेतृत्व की सराहना की है। प्रदेश अध्यक्ष पद के सवाल पर भूरिया ने कहा, यह हाईकमान के अधिकार क्षेत्र का मामला है। अभी अध्यक्ष कमलनाथ हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती से चल रही है। उन्होंने कहा, अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांतिलाल भूरिया ने कहा, जो काम BJP 15 साल में नहीं कर पाई वो काम कमलनाथ सरकार ने कुछ दिनों में ही कर दिखाए। मंत्री पद के सवाल को कांतिलाल भूरिया टालते हुए नजर आए। नहीं, हम तो कार्यकर्ता है भाई, हाईकमान जान जिसको जानदारी थी वो संभालते हैं। तो हम अभी, मुझे झाबा की जनता ने मुझे विधायक की जानदारी दी है, तो मैं क्षेत्र के विकास करूंगा और पूरे प्रदेश के सबकी सहानुभूति मुझे मिलेगी। मध्य प्रदेश BJP के उपाध्यक्ष विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर चुटकी ली और कहा, कांग्रेस अपने ही गृह युद्ध में उलझी है। कांग्रेस में आगे आगे देखो क्या होता है। दिग्विजय सिंह की टीम अब चाहेगी कि कांतिलाल भूरिया मुख्यमंत्री बने। विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है, कांग्रेस किसे अध्यक्ष बनाए ये उसका मामला है। कमलनाथ की जगह बनाए या सोनिया गांधी की जगह बनाए, उनके गृह युद्ध का आंखों देखा हाल देखिए कुछ दिन बाद। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सभी गुट कमलनाथ को घेरने में लगे हैं। दिग्विजय सिंह की टीम चाहेगी कि कांतिलाल भूरिया मुख्यमंत्री बने। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग परेशान है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दिग्विजय सिंह जी की टीम तो चाहेगी कि कमलनाथ की जगह कांतिलाल भूरिया मुख्यमंत्री बने, तो इसलिए कांतिलाल भूरिया जी और दिग्विजय सिंह जी एक हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग परेशान है, कमलनाथ जी को सब घेर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया की जीत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में नए सियासी समीकरण बन रहे हैं और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांतिलाल भूरिया को भविष्य में मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी हो सकती है। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिक्षकों को नसीहत देते हुए कहा है कि शिक्षक अपने दायित्व को सरकारी नौकरी के रूप में नहीं बल्कि एक समाज सेवक की भूमिका के रूप में निभाएं। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि मध्य प्रदेश शिक्षा की गुणवत्ता में अग्रणी राज्य बने। हम स्वास्थ्य से ज्यादा शिक्षा को प्राथमिकता देंगे, इसके लिए हमें कड़े कदम उठाना पड़े तो हम उठाएंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में आयोजित स्टीम कॉन्क्लेव 2019 के शुभारंभ समारोह में स्टीम शिक्षा पद्धति की सराहना करते हुए कहा कि इससे हम अपने बच्चों का संपूर्ण विकास कर पाएंगे, वे रुचि के साथ पढ़ाई करें, इससे उनका एक अलग तरीके से विकास होगा और वे आज के बदलाव से जुड़ सकेंगे। मिंटो हॉल में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ शिक्षा पद्धति पर आयोजित 2 दिवसीय कॉन्क्लेव हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व में हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, उससे शिक्षा भी अछूती नहीं है। परिवर्तन के इस दौर में हमारे शिक्षकों को अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अपनी भावी पीढ़ी को आज के दौर और आने वाले समय के अनुकूल शिक्षित नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और उसकी गुणवत्ता में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें क्रांति लानी है, तो ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी से हमारे मध्य प्रदेश के आगे आने वाले भविष्य सुरक्षित रहेगा, मध्य प्रदेश का निर्माण। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए हैं, इससे एक बड़ा गैप भी आया है। किसी भी क्षेत्र में बदलाव हुआ है तो उसकी आलोचना होती है। 21वीं सदी के भारत की कल्पना करते हुए जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी कंप्यूटर पर चर्चा करते थे तो लोग उन्हें कंप्यूटर मानुष बोलते थे, तब उनका विरोध यह कहकर हुआ कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। इसके बावजूद हमने रेलवे की सेवाएं ऑनलाइन की। आज हम देख रहे हैं कि आईटी के क्षेत्र में पिछले 10 सालों में जो क्रांति हुई है उससे न केवल बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है बल्कि विश्व में हमारे देश के लोग आईटी के क्षेत्र में छाए हुए हैं। भोपाल नगर निगम के बंटवारे और महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की और राज्य सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई बड़े नेता मौजूद रहे। राज्यपाल को दिए ज्ञापन में बताया गया है कि भोपाल समेत प्रदेश के अन्य नगर निगमों का पुनर्गठन करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी ओर महापौर और अध्यक्ष के चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रणाली का उपयोग करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। ज्ञापन में नगरपालिका निगम अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए ये बताया गया है कि नगर निगमों में बंटवारे की घोषणा के लिए राज्यपाल किसी पर निर्भर नहीं है, ये राज्यपाल के स्वविवेक पर आधारित है। इसकी विभिन्न धाराओं में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद, सचिव या कलेक्टर इस बारे में किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण भोपाल नगर निगम में 2 नगर निगम के बंटवारे को लेकर जारी की गई अधिसूचना असंगत है। साथ ही जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है वह नगर निगम के परिसीमन से जुड़ी हैं, लेकिन उसके बंटवारे से उनका कोई संबंध नहीं है। हम सभी उनसे मिलने के लिए आए, हमने उनको बताया कि पिछले दिनों अप्रत्यक्ष चुनाव नगर निगम और स्थानीय निकायों के संभावित परिसीमन, भोपाल नगर निगम के विखंडन और उसके अलावा जिन नगर निगमों के विखंडन की सुगाहटें सरकार चला रही है, इन सबको लेकर वृहद स्तर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। 16,55,000 से अधिक हस्ताक्षर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में जाकर कराए हैं। जनता आक्रोशित है। भाजपा नेताओं ने भोपाल नगर निगम को 2 भागों में बांटने के निर्णय को अदूरदर्शी, असंगत, अप्रासंगिक और विकास की गति को रोकने वाला और खर्चीला बताया है। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से भेंट कर स्थानीय निकायों के महापौर और अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने तथा भोपाल नगर निगम के विघटन के विरुद्ध प्रदेश भर में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान के पत्रक राज्यपाल को सौंपे। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि इस विघटन को रोकने के लिए भाजपा ने प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया है,
जिसमें बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हैं। उन्होंने नगर निगम के बंटवारे के खिलाफ पत्रक पर हस्ताक्षर किए हैं। राजनीति के बाद समाज से जुड़ी खबर। सास ससुर और बहू के बीच अनबन की कई कहानियां सामने आती हैं, लेकिन सागर में एक ऐसा मामला सामने आया है कि पुलिस भी असमंजस में पड़ गई कि वो क्या करे। यहाँ एक बहू ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसके ससुर को जेल भेजा जाए। ससुर का कसूर इतना है कि वो बहू से पानी तो मांगता है लेकिन उसको पीता नहीं है और उसके हिस्से की जमीन हड़पने की धमकी देता है। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है जहां पुलिस को भी पसीना आ जाता है। सागर जिले के रहली के बलिया गांव की एक बहू अपने ससुर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच गई। इस महिला ने बाकायदा 100 डायल को फोन लगाया और कहा कि हमारा ससुर हमें परेशान करता है। डायल 122 किलोमीटर दूर सलिया गांव पहुंच गई और पीड़ित बहू सपना को लेकर पुलिस चौकी पहुंची। साथ में ससुर खुन्नीलाल और पति देवदया राम थे। पुलिस ने सपना से पूछा क्या परेशानी है। सपना बोली कि मेरा ससुर मुझसे पीने का पानी मांगता है और हम जब लोटा और ग्लास लेकर इनको पानी देते हैं तो ये पानी नहीं पीते और चले जाते हैं। ऐसा इन्होंने एक बार नहीं कई बार किया है। पुलिस घूंघट ओढ़े बैठी सपना की बात पर भौचक रह गई। बहू का कहना था ससुर को जेल भेज दो। मैंने फोन किया था, मैंने हाँ ना, मतलब फोन किया तो आएगी ना, फोन किया था हाँ। तो क्या शिकायत है आपको इनसे? छुड़ाना चाहता है जमीन, ठीक है। और पानी पीने आता है तो पानी पीता नहीं। दो चार दिन से पानी मंगाने लगा और पीता है नहीं है। जे कौन है आपके? ससुर हैं आपके। अच्छा ठीक है, तो अब क्या करना है इसका? इसको जेल भिजवाना है, क्या करना है? जेल भिजवाएं। ये पानी मांगता और पीता है नहीं, है ना, और जमीन तुम्हारी छीनना चाहता है। पुलिस ने जब पीड़ित महिला से पूछा कि इन ससुर साहब की और क्या गलती है तो घूंघट से आवाज आई, बस यही गलती है, इनको जेल भेज दो। बाजू में पतिदेव शांत बैठे थे, सोच रहे थे कि हमारी पत्नी की तो बड़ी पहुंच है कि घर से पुलिस ही उठा लाई। ससुर सोच रहे थे कि काश पानी मांगने के बाद पी लिया होता तो ये नौबत ना आती। सपना की पीड़ा में तो पुलिस ही घनचक्कर हो गई। बहरहाल पुलिस ने हिदायत देकर तीनों को छोड़ दिया है। भोपाल पुलिस की रात्रि गश्त की उस समय पोल खुल गई जब धमनिया में एक किराना व्यापारी के यहाँ डकैतों ने धावा बोला और 10 लाख से ज़्यादा का सामान ले गए। डकैतों ने व्यापारी और उसकी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की, उन्हें घायल कर दिया। अब पुलिस डकैती की इस वारदात में गए सामान का आकलन कम कर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। खजूरी थाना इलाके के धमनिया में एक किराना व्यापारी के घर करीब 10 लाख रुपए की डकैती की वारदात हुई। व्यापारी सुभाष सेठ के घर देर रात डकैत घुसे और उन्होंने सुभाष और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। डकैतों ने व्यापारी उनकी पत्नी के साथ मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिया। इसके बाद पूरे घर में छानबान की और करीब 10 लाख रुपए के जेवरात समेत 60,000 रुपए नकद ले गए। डकैतों के जाने के बाद व्यापारी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद खजूरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जब आसपास के लोगों को घटना की सूचना मिली तो वो भी व्यापारी के घर पहुंच गए। रात को 3 बजे करीब में 10-12 आदमी आए और हम दोनों जनों को उन्होंने मारा और जो भी था सब ले गए। कितने लोग होंगे? 10-12 उससे कम तो नहीं थे। वो दोनों के साथ मारपीट की? दोनों के साथ ही। मेरे को तो ही कुछ मारा है जो इसमें खून लगा, 5 टांके भी आए हैं और पूरा ही खून से भरा हुआ था पूरा। 20-25 सोना है और 50-60,000 रुपए से ऊपर जो खर्चे के थे वो है। जिस समय डकैत डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे थे उस वक्त पुलिस नाइट गश्त का दावा कर रही है। हालांकि इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारी के यहाँ से डकैत 10 लाख से ज्यादा के जेवरात, कैश और अन्य सामान ले गए हैं। वहीं पुलिस इसके आकलन में गड़बड़ी कर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश में लगी है। अब सुन लें पुलिस की बात। ये काम खजूरी थाना अंतर्गत बकानिया में सुभाष जायसवाल जी रहते हैं, ये इनका मकान है और इनका कहना ये है, बताना ये है कि तकरीबन 3 बजे के आसपास इनके मकान में मेन गेट को तोड़ते हुए 8-10 लोग इनके अंदर आके घुसे और इन्होंने के साथ मारपीट करी और इनके साथ में यहाँ से तकरीबन 80-90 हज़ार के आसपास का मशरूका लेके गए हुए हैं इनके यहाँ से। इस तरीके का विवरण बताया, बाकी हम लोग लगे हुए हैं इसमें और PSTN वगैरह सब इसका कलेक्ट करा रहे हैं और बाकी सर्चिंग भी है, डॉग स्क्वाड भी बुलाया हुआ है, फिंगरप्रिंट भी बुलाए हुए हैं, बाकी हम सब लोग इसमें कार्रवाई करवा रहे हैं। छतरपुर में नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के बाद बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए। इस दौरान एक गोली महिला के पैर में भी लग गई। छतरपुर के मातुगावा थाने के रंगोली में 3 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े कट्टे की नोक पर 1,90,000 रुपए की लूट की। लुटेरे इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
दोपहर में कियोस्क संचालक गोविंद शिवरे बैंक से रुपए निकालकर बाहर निकले और पीछे से आए तीन अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया और जाते जाते कट्टे से फायर करते गए। इस दौरान एक गोली एक महिला के पैर में लगी। भागते आरोपियों पर बैंक में तैनात गार्ड ने भी फायर किया। घटना की सूचना लगते ही एडिशनल एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। 1,90,000 रुपए निकाले मैंने बैंक से और जैसे ही मैं बैंक से निकाल के बाहर निकला तो तीन अज्ञात लोग मोटरसाइकिल से आए और मेरा बैग छीना और गोली भी फायर भी किया। मैं जैसे ही बैंक के अंदर भागा तो एक महिला को लगा फायर और मैं अब यहाँ पर रिपोर्ट कराने आया हूँ पुलिस में और जो पुलिस की जांच कर रही है। सर संचालक है, इसने बैंक से राशि निकाली थी, इस दौरान तीन अज्ञात लोगों द्वारा लुटी गई है। जो टाइप पास किया रही एनबीएस भी पकड़ाई, फुटेज मिले हैं उसमें काफ़ी ऐसी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।